कुमार जी, आप लोगों को एक मजेदार स्टोरी बताने जा रहा हूं, सुनिएगा, एंजॉय करिएगा। हमारे दोस्त थे, उनका विदाई के समय उनका मोबाइल बजा, तभी दुल्हन ने खींच के एक झापड़ दिया जोर से। जानते हैं क्यों? मोबाइल में रिंगटोन था, जिंदगी मौत ना बन जाए। भाई, ऐसा कोई शादी के दिन गाना लगाता है क्या, सुनता है क्या? भाई ऐसे कोई झापड़ लगना है क्या? हेलो, वेलकम अगेन, नमस्कार। आप देख रहे हैं कॉमेडी हमारे साथ। ओके, आप बाबा रामदेव जी कहते हैं हमारा टूथपेस्ट ले लो, इसमें लौंग है, इलायची है, तुलसी है, मुलेठी है, चंदन है। अरे भाई लो, ये बाबा जी को कौन समझाए? हमें ब्रश करना है, मुंह हमें हवन नहीं कराना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं आप लोगों को तीन दोस्तों की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। तीन दोस्तों लोग थे, बैठ करके एक पैक लगा रहे थे, पार्टी कर रहे थे। एक गोरखपुर के थे, एक देवरिया के थे और एक बिहार के थे। तीनों लोग बैठ करके पैक लगा रहे थे और पैक लगा करके जब नशा आ गया तो देवरिया वाले ने क्या किया, पैक लगाया, ग्लास खाली हुआ, उसको हवा में उड़ाया, बंदूक से गोली निकाला, गिलास को मार दिया। उसके बाद देवरिया वाले ने क्या किया, उसने भी शराब पिया, गिलास खाली हुआ, उसको हवा में उड़ाया, फिर बंदूक से गोली निकाला, सॉरी भाई गोली नहीं, बंदूक निकाला, जेब से बंदूक निकाला और गोली मार दिया गिलास को, गिलास टूट गया। फिर उसने उठा, कुर्सी अपना उठाया, तोड़ दिया। जानते हैं क्यों? उसने कहा, हम जिसके साथ एक बार बैठ के शराब पी लेते हैं, जिस पर एक बार बैठ के शराब पी लेते हैं उस पर दोबारा नहीं पीते हैं। नहीं, गोरखपुर वाले का तो बात ही निराली है। उसने क्या किया, अपना शराब पिया, गिलास को हवा उड़ाया, जेब से निकाला बंदूक और दोनों को गोली मार दिया। उसने कहा, जिसके साथ हम एक बार बैठ करके शराब पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते हैं। ये है यूपी की पन्नी, बदमाशों का क्षेत्र। आप लोग भी गोरखपुर वाले हैं तो एंजॉय करिए और भी लोगों को भेजिए, वो लोग भी मजा ले, एंजॉय करें। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, बाय बाय।